अभी सर अच्छा उनका ले ले बाइक ले लेते हैं। मैम आपका फोन बज रहा है। मैं भी ले लेता हूँ या हम लोग क्या सर थोड़ा सा क्लोज हो जाए। यस ये आपका जाती और इखलाकी फर्ज है और अधिकार भी है कि इस अधिकार का सही इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें, अपने मन और बुद्धि को मद्देनजर रखते हुए, देश को मद्देनजर रखते हुए बस अपना वोट जरूर दें। जब सरकार बनेगी ना तो फिर रखेंगे। मैंने बोला सबसे पहले, मैं यही बोला हाँ जी, वो सबसे बड़ी जरूरी बात है, लोगों में एक स्पार्क प्यार हो क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम जातिवाद में ना पढ़ के अच्छी चीजें करें, सबसे बड़ी बात का ध्यान रखें, अच्छी शिक्षा, अच्छा काम, रोजगार लोगों को बढ़ते, और ये सभी सरकार कर सकती है, सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यही उम्मीद करते हैं जो भी सरकार आए, जो फालतू खर्चे करने की बजाय इधर उधर जो जितने जितने बड़े वो करती है चीज़ें बना के, एक सिर्फ ऐलान करने के लिए अपना, जैसे जिस दिन कसम चुकनी हो मतलब उठानी होती है, जिसमें सौगंध उठानी होती है, उस दिन इतने बड़े जुलूस करने की जरूरत नहीं, छोटे से स्थान में भी आप कर सकते हैं, वो टीवी के माध्यम से सब लोगों के पास पहुंचे। कितना खर्चा हो जाता वहाँ, किसको दिखा रहे लोगों की ड्यूटी भी है, सरकार कर सकती कह रही है, वो सरकार सफाई करने नहीं आई, गरीबों के लिए दिया ड्यूटी है, उनको सफाई रखनी चाहिए, हम लोग खाते हैं नहीं फेंकते चाहिए, इट्स आवर ड्यूटी, हम लोग सिर्फ सफाई अभियान बहुत पब्लिक को है ना, राइट बात करते हैं, राइट है, राइट है, राइट है, अपनी ड्यूटी हम लोग भी नहीं निभाते, मगर हम खुद ही राइट नहीं होते कभी कभी, कि हमें अपनी ड्यूटी निभाना बहुत जरूरी है। खुश रहो जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू या जस्ट लुक या बहुत ठीक है ना, बहुत धूम है, पिक्चर भाग रहा है। थैंक यू अगेंस्ट सर चलिया पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ सुबह से हूँ
और हम लोग लाइन में भी खड़े थे, लोगों को देख रहे थे और बहुत तादाद में लोग आज उतर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स तो काफ़ी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेके भी बहुत सारी लेडीज़ आ रही है, प्रेग्नेंट वीमेन भी आ रही है। ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जो लोकशाही है वो सही में ज़िंदा है और ऐसा ही रहना चाहिए। मैं अपील करती हूँ कि और ज़्यादा क्वांटिटी में आप आइए, सब यहाँ पे वोटिंग कीजिए, यही कहने के लिए हम सब जगह घूम भी रहे हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत ही अहम दिन है, सभी वोटर्स एंड कंट्री जो आज खड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे, पब्लिक से क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन के लिए? पहले तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि भारत एक ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जिसमें कि आप हक रखते हैं अपना उम्मीदवार चुनने का। सो हम सब ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है, आई एम श्योर आपने भी चुन लिया होगा। एंड हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने जो भी उम्मीदवार चुना है, आई एम श्योर आपने ध्यान में रख के चुना होगा कि उसको जात पात की लड़ाई में ना पड़े और आने वाले नौजवानों के लिए कुछ करे, किसानों के लिए कुछ करे और देश के बढ़ोतरी के लिए कुछ करे। एंड बहुत अच्छा दिन है, मैं चाहती हूँ कि सब जाके वोट करें और अपने लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो वोट करें। सो हैव अ ग्रेट डे एवरीबडी, कीप वोटिंग। एक्चुअली ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं कि ये पॉलिटिशियन अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम एंड वोट। आपको अपनी चॉइस खुद रखनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमारा देश तरक्की करे, ग्रोथ करे, यहाँ पे कोई भाई सब भाईचारे से रहे। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा नेता है जो हमें सबको संभाल के हमारी इकॉनमी को भी एटलीस्ट ऊपर लेके जाए, बिकॉज अभी हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि भी बहुत स्लो है, तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वोट कि समथिंग गेट चेंज, आई वॉन्ट चेंज इन दिस। तो ऑफकोर्स मैं चाहती हूँ कि सब यंगस्टर्स एवरी वन गो एंड वोट, ठीक है, हैव अ हैप्पी वोट, थैंक यू। पॉली नंबर, केंद्र नंबर, इसमें वो लिखा हुआ है ना ताकि जा रहे थे लोगों को और इवन एग्जैक्टली टू जॉइन। थैंक यू, थैंक यू। यही कहना चाहूँगा कि सबको आना चाहिए, ये एक बहुत ही फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी एज अ सिटीजन। अगर हम वोट नहीं करें तो फिर हमारे पास हक नहीं रहता है कुछ कंप्लेन करने के लिए। तो मैं आई होप सबके सब आएँ और इस बार ये रिकॉर्ड टूटे, बिकॉज बॉम्बे में यूजली बहुत कम टर्नआउट होता है एंड आशा करता हूँ कि इस बार ही हम रिकॉर्ड वो तोड़ दें। यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम वोट नहीं करेंगे तो फिर हम शिकायत भी नहीं कर सकते। वही चेक कर रहा हूँ, उनका इधर ही आया हुआ है। दर्शकों से यही अपील है कि सब लोग जाएं और वोट करें। थैंक यू।